impacts of nationalism on sociology. so in this session we are going to discuss the impacts of nationalism directly on sociology. we all know that sociology is basically related the knowledge based on individuals, society, their interaction with each other and the implications of politics and economics on individuals as well as on the society. So, when we talk about the ethnic nationalism, then actually we are going to discuss that a group, a feeling of collectiveness, how it can impact the field of sociology. that ethnic nationalism is as open to individual ambitions as are nationalism of the two other types, basically. जो नेशनलिज्म है स्पेसिफिकली जो एथनिक नेशनलिज्म है इसका मतलब क्या है क्या मेरी पहचान एक खास एथनिक ग्रुप है एथनिक ग्रुप बेस्ड ऑन एफिलिएशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी हो सकता है लैंग्वेज भी हो सकता है रेस भी हो सकता है अ पर्टिकुलर कल्चर भी हो सकता है समटाइम्स इलाका भी हो सकता है तो इस जब अफराद या लोग जो हैं इन में से किसी एक फैक्टर की बेस पर ख़ुद को एक ग्रुप कंसिडर करते हैं तो फिर इसका माशरे पर क्या असर असर होता है ज़ाहिर है इसके मुख्तलिफ किस्म के जो वेरियस इसकी जो इम्प्लिकेशन्स या असरात हैं क्योंकि जब एक ग्रुप होगा तो सबसे पहले वो क्या करना चाहेगा वो अपने बिलीवर्स की एक कम्बाइंड पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करना चाहता है और जब कम्बाइंड पब्लिक ओपिनियन होगी तो फिर उसकी वजह से पोलिटिकल सिस्टम को भी इन्फ्लुन्स करने की एफर्ट होगी और माशरे को भी दैन नेशनलिज्म इन जनरल डू प्रमोट पोलिटिकल प्रोसेस एंड डिवेलपमेंट इन मैनी वेज इट इज़ क्वाइट सिंपल दैट पोलिटिकल एक्टिविजम ऑब्वियसली टेक्स वेरी डिफरेंट फॉर्म्स इन एथनिक नेशनलिजम एंड इन इंडिविजुअलिस्टिक एंड सिविक नेशनलिजम्स दैट प्रोड्यूस लिबरल नेशंस जब एथनिक नेशनलिज्म की बात होगी जिस तरीके से ये अपने लोगों की ट्रेनिंग करेगा अपने लोगों के अंदर एक कॉन्शियस अप्रोच डिज़ाइन करेगा रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप जो लॉयल्टी होगी वो एक स्पेसिफिक ग्रुप की तरफ ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद वो लोग वो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स वो पॉलिटिकल सिस्टम्स जहाँ लोगों के अंदर एक कॉमन सिविक सेंस है दैट दे बिलोंग टू स्टेट दे बिलोंग टू अ पोलिटिकल सिस्टम वहाँ लोगों के अंदर जो अप्रोच होगी उनकी जो डेलीबरेट एफर्ट्स होंगी वो डेफिनेटली डिफरेंट होंगी और वहाँ पोलिटिकल सिस्टम के लिए भी ज़्यादा अपॉरचुनिटीज होंगी टू परफॉर्म और टू वर्क फॉर द पीपल सो इन लिबरल स्टेट्स सच नेशनलिज्म इज़ यूजुअली रेफरड एज बींग इंट्रोवर्ट विच फोकस ऑन द इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ द स्टेट एंड इट्स पोपोलेशन जितनी भी लिबरल स्टेट्स हैं या वहाँ जहाँ पर कि पोलिटिकल सिस्टम्स डिवेलप्ड हैं वो किस वजह से हैं क्योंकि उनका फोकस अपने शहरीों की तरफ है अपने लोगों की तरफ है और इसी वजह से इन मुल्कों के अंदर इसका जो इम्पेक्ट होता है ऑन द ओवरऑल और ऑन दोसाइटी और ख़ास तौर पर जितने भी जो सोशल एक्टर्स होते हैं चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में हो, या है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हों उनके अंदर उनका जो पैटर्न होता है पैटर्न ऑफ वर्किंग और पैटर्न ऑफ सिटीजनशिप वो बहुत इम्प्रूव्ड होता है बिकॉज पीपल थिंक दैट दे आर इंजॉइंग द राइट्स बट स्टिल हैव टू परफॉर्म सर्टन ड्यूटीज़ पॉलिटिकल सिस्टम का भी उन पर हक है और उन्हें वो सब हकूक़ को फ़रज़ अदा करने हैं जो सिस्टम की तरफ से उन पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अंडर द लॉ एज दिटिजन ऑफ दैट सम स्पेसिफ़िक स्टेट दे हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज़ तो जो नेशनलिज्म का जो इम्पेक्ट होता है ओवरऑल ऑन सोशोलॉजी हम इसको अगर कंसाइज फॉर्म में देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी कॉम्बिनेशन है इंडिविजुअल्स का उनके इंटरेक्शन का विद द सोसाइटी और जो नेशनलिज्म है वो इंडिविजुअल फीलिंग भी हो सकती है वो कलेक्टिव फीलिंग भी हो सकती है लेकिन वो फीलिंग जब तक सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो इंडिविजुअल अपनी एफिलिएशन को इस तरह मैनेज करे के वो ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे या वो स्टेट के लिए कोई थ्रेटन ना क्रिएट करे तो तब तक ज़ाहिर सोसाइटी वेलकम करती है इन अप्रोचेस को इन थॉट्स को चाहे वो इंडिविजुअल की हो चाहे वो कलेक्टिव किसी ग्रुप की हो या वो ग्रुप जो है वो कितना भी एक्टिव है अगर वो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा सोसाइटी के अंदर चैलेंजेस क्रिएट नहीं कर रहा तो सोशोलॉजी जो है वो ऐसी फीलिंग्स को ऐसे ग्रुप्स को हमेशा अपने अंदर एब्जॉर्व भी करती है और इस डायलॉग और डिबेट को प्रमोट भी करती है